आईपीएल 2024 के दौरान रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने भारतीय फैंस की टेंशन बढ़ा दी है। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मैच में वह एक प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में खेले। आईपीएल 2024 के ठीक बाद टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है। वेस्टइंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 1 जून से शुरू होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का भी ऐलान हो गया है, लेकिन इन सब के बीच रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने भारतीय फैंस को टेंशन दे दी है। रोहित शर्मा आईपीएल के बाद मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने 3 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स खिलाफ मैच खेला। रोहित शर्मा इस मैच का हिस्सा थे, लेकिन वह फील्डिंग करने नहीं आए। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को एक प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में खेला था, यानी उन्होंने इस मैच में केवल बल्लेबाजी की थी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को प्रभावशाली खिलाड़ी के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया था, इसके पीछे की बड़ी वजह सामने आई है। यह पहली बार था कि जब रोहित शर्मा आईपीएल में एक प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में खेले। उन्होंने इस मैच में 12 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाए। ऐसे में मैच के बाद जब पीयूष चावला प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने रोहित शर्मा पर बड़ा अपडेट दिया और उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल करने के पीछे की वजह बताई। पीयूष चावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मैच से पहले रोहित शर्मा की पीठ में थोड़ी अकड़न थी, इसीलिए प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर उन्हें मैदान पर नहीं उतारा। आपको बता दें कि रोहित शर्मा पिछले कुछ समय से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने आराम भी नहीं किया है। उन्होंने इस साल टीम इंडिया के लिए सभी सीरीज खेली हैं। ऐसे में वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा का वर्कलोड को मैनेज करने के लिए ये फैसला लिया गया, जिसका असर आने वाले मैचों में भी देखने को मिल सकता है। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।